कि हमारे पास ऐसा एक दोस्त है जिससे मांगोगे पैसे तो वो देगा तुम्हें चिल्लर, कि हमारे पास ऐसा एक दोस्त है जिससे मांगोगे पैसे तो वो देगा चिल्लर। अब तो बोलो वाह वाह। और वो अमित भाई जिससे बोट ही मरते हैं गेम में, इसलिए हम उसे बोलते हैं बोट किलर। कैसा लगा? अरे बहुत आर्ट, बहुत आर्ट। हो गई बेइज्जती, घर वाली बेइज्जती पड़ी रे है उसने यार। सही खेल गया। तो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड मजे करेंगे अपने लाइफ में। सो आज की वीडियो पे क्या होने वाला है? यस, टाइटल और थंबनेल से आप लोगों को वैसे पता चल चुका होगा कि क्या होने वाला है। फिर भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। काफी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे जो मैंने फ्री फायर टिकटॉक और शायरी वाली जो वीडियो अपलोड करी थी, तो उसमें काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि यार बैच 99 की शायरी पे रिएक्शन दो, बैच 99 की शायरी पे रिएक्शन दो, क्योंकि वहां पे उनकी एक शायरी थी वो काफी प्यारी थी। एंड उसके अलावा एक अज्जू भाई की भी शायरी थी, उस पर भी काफी सारे लोगों के कमेंट्स है कि अज्जू भाई की शायरी पे रिएक्शन दो। सो मैंने सोचा कि चलो कुछ यूनिक करते हैं, हम करते हैं दोनों की शायरी पे रिएक्शन एक साथ में। So, देख के आप लोगों को जज करना, आप लोग बताना कि किसकी शायरी बेस्ट होने वाली। मैं अपना ओपिनियन यहाँ देने वाली हूँ। सो आप लोग भी मेरे साथ पे हो यहाँ पे, तो आप लोगों को भी अपने ओपिनियन शेयर करने किसकी शायरी आप लोगों को ज्यादा बेस्ट लगी और कितनी अच्छी लगी। ठीक है, समझ रहे हो? नहीं। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आप लोगों को, वीडियो को लाइक करना है अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया हो, और चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि यार हमको भी 1 मिलियन कंप्लीट करना है। तुम लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो और कौन करेगा, बताओ बोला जरा। सो इस वीडियो का हम लाइक एम रखने वाले हैं 50K, और होपफुली तुम लोगों से तो मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीद है कि भाई तुम लोग तो वैसे ही कंप्लीट कर दोगे बहुत ही ज्यादा जल्दी, मतलब एक दिन में तुम लोगों के मेरे अंदर पावर है, मैंने देखी है। ठीक है, और चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करने वाले किस से, बैच 99 से, क्योंकि ही इज ऑलवेज माय फेवरेट। एंड जब से तुम लोगों ने बैच 99 वाली वीडियो पे इतना सारा प्यार दिया है ना, उसके बाद तो क्या ही बोलूं मैं, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आता कि क्या ही बोलूं। तुम लोग बस जब देखो जिधर देखो बैच 99 से और वीडियो लेके आओ, और वीडियो लेके, अरे कहां से लाओ और वीडियो, बताओ मेरे को ना। रिएक्शन देना था, हमने अपना रिएक्शन दिया, तुम लोगों ने भी बहुत सारा प्यार शो किया, उसको बहुत सारा सपोर्ट दिखाया। सो चलो फिर से हम मिलके लेके आ चुके एक और वीडियो जहाँ पे हम अज्जू भाई और बैच 99 दोनों को देखने वाले हैं, एंड उसके बाद आप लोगों के ऊपर है कि आप किसको क्या बोलने वाले हो। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट से। जो हम 2000 years later ओके, सो गाइस यहाँ पे हम शुरुआत करने वाले हैं बैच 99 से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सुनते चलो उनकी शायरी। जिंदगी में स्वागत किया था दिल खोल के, दूर भाग गई थी हमसे फकीर बोल के, अभी आते हैं मैसेज उसके, बोलती है कोलैबोरेशन कर लो प्लीज बोल के। मतलब ये वाली शायरी जब हमने वो शायरी वाला था, ठीक है, जब वीडियो बनाई थी उसमें ये वाली वीडियो थी, एंड लिटरली ये मेरे को अब तो याद हो चुकी है। ठीक है, और ये बहुत प्यारी भी, ऐसा नहीं कि अच्छी नहीं है, बहुत प्यारी वीडियो भी, मतलब शायरी है। सो चलो अभी इसके बाद हम देखने वाले अज्जू भाई को। अज्जू भाई, अज्जू भाई, अज्जू भाई। ओके, सो हम आ चुके हैं यहाँ पे अज्जू भाई की शायरी पे, देखते हैं कि क्या शायरी उन्होंने बोली है। तो अमित भाई देखो, एक शायरी में तुम्हें सुनाता हूँ, इस शायरी का क्रेडिट जाता है सुनील ठाकुर को, सुनील ठाकुर ने शायरी लिखी है। और भाई का कहना है, चींटी चढ़ी पहाड़ पे अंग्रेजों का जमाना था, चींटी चढ़ी पहाड़ पे अंग्रेजों का जमाना था, अज्जू भाई की AWM से निकली गोली अमित भाई के हेड पे निशाना था। कैसा लगा अमित भाई? भाई अमित भाई भी सोच रहे होंगे भाई के ले ली बिना बात के, पर गाइस अज्जू भाई और अमित भाई की जोड़ी बहुत प्यारी, बहुत अच्छा लगता है दोनों साथ में, मतलब कुछ भी बोलो कुछ भी हो पर दोस्ती काफी अच्छी है दोनों की। कैसा लगा? बहुत प्यारी। हम तो एक साथ खेलते हैं, हम लोग की गोली हमारे पर नहीं लगती है ना। ये बात भी सही, कस्टम खेल रहे होगे ना हम दोनों, तब मैंने तुम्हारे हेड के ऊपर निशाना किया होगा। गाइस इसी बात पे फॉलो मारो शायरी अच्छी लगी तो, वरना मेरे ख्याल से इतनी कोई खास नहीं थी, बट लाइक मारो अगर शायरी अच्छी लगी तो, और फॉलो कर दो अगर। गाइस अज्जू भाई ने बोला तब तो लाइक तो करना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है, बिना लाइक ये नहीं जा सकते, फटाफट से लाइक करो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करके। तो गाइस गेम के अंदर बहुत ही अलग अलग तरह की प्रजाति पाई जाती है, उनमें से मेरे हाथों से अभी 3-4। ये एक्चुअली शायरी नहीं है, ठीक है, कुछ अच्छी बात थी तो मैंने इस वजह से तुम लोगों को दिखाना चाहती हूं। ऐसी ऐसी प्रजातियां लगी है जो मतलब अलग ही लेवल की है, जिन लोगों का नाम है हंटा वायरस, किसी का गेम के अंदर नाम है COVID-19, किसी का नाम होता है कोरोना वायरस। तो गाइज इस प्रजाति का मेरे को पता नहीं क्या है, बट गाइज आप लोग फ्री फायर खेलो, पबजी खेलो, कोई भी गेम खेलो, आप उसके अंदर ऐसा वायरस का नाम मत रखो, शायद से यार गेम वालों ने गेम के अंदर लॉकडाउन लगा दिया तो फिर तुम कहाँ पे जाओगे। क्या बढ़िया था गुरु।
जरा सोचो इस बारे में ओके भाई भाई पता नहीं तुम लोग पता नहीं क्या अजीब अजीब नाम रख के घूमते आई रियली डोंट नो व्हाई पर मत रखा करो इतने अजीब अजीब नाम यार कुछ तो ऐसे नाम रखा करो जो पढ़ के अच्छे लगे तो ये सब मतलब ये सब जो नाम आता है उसको मत रखो और लाइक मारो वीडियो को फॉलो करो अगर हमें फॉलो नहीं किया तो यार हम ऐसे वीडियो फालतू वाले रहते रहते हैं तो कि हमारे बाय 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 अगर हमें फॉलो नहीं किया तो यार हम ऐसे वीडियो फालतू वाले रहते रहते हैं तो यस गाइस देखो फालतू वीडियो नहीं बोलेंगे मैं पर यार गाइस ट्राई करती हूँ अपना बेस्ट लाने का सो यार सब्सक्राइब कर दिया करो तुम लोगों के एक सब्सक्राइब से हमारा भी मोटिवेशन बनता है थोड़ा मोटिवेट हम भी होते हैं इस चीज से सो कर दिया करो क्या जाता है बताओ बोला जरा सो चलो अब चलते हैं हम फिर से बैच 99 की शायरी पे बट दोनों में से पहले कमेंट करके बताना कि दोनों में से किसकी शायरी बेस्ट लगी अज्जू भाई की या फिर बैच 99 की मैं अपना ओपिनियन लास्ट में शेयर करूंगी ठीक है सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ओके गाइस हम फिर से आ चुके हैं बेस्ट 99 की शायरी पे सो देखते हैं इस शायरी में क्या इंटरेस्टिंग है हमें दोस्ती से नहीं बस नकली चेहरों से है परहेज हमारी पीठ पीछे बात करके आज वो बन रहे हैं बहुत तेज सामने से बोलते हैं सर सर रहने दो छोटे बराबरी करनी है तो सीधे बाप को भेज हमें दोस्ती से ओपी गाइस ओपी मतलब लाइनिंग्स जो होती है ना बैच की बहुत प्यारी होती है जो मतलब बोलने का तरीका है उनका एंड जैसी वॉइस है मैं तारीफ नहीं करूंगी फिर तुम लोग तुम कमेंट्स में कुछ कुछ भी लिखते हो भाई मैं नहीं बोल रही कुछ भी ठीक है मैंने नहीं बोलना इस बार फिर तुम लोग फिर हर कुछ लिखते हो भाई मेरे को शर्म आती है फिर चलो इसी के साथ हम चलते हैं अभी फिलहाल वापस से अज्जू भाई की शायरी पे भाई की इस शायरी में क्या है बिकॉज मैंने भी नहीं सुनी किसी की शायरी कि हमारे पास ऐसा एक दोस्त है जिससे मांगोगे पैसे तो वो देगा तुम्हें चिल्लर कि हमारे पास ऐसा एक दोस्त है जिससे मांगोगे पैसे तो वो देगा चिल्लर अब तो बोलो वाह 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 और वो अमित भाई जिससे बोट ही मरते हैं गेम में इसलिए हम उसे बोलते हैं बोट किलर कैसा लगा अरे बहुत आड हो गए बेइज्जती करवा ली बेइज्जती पड़ी रे है उसने यार मतलब आज भाई ने अपनी सारी की सारी शायरी की अमित भाई के लिए लिखी है क्या मतलब बेचारे अमित भाई को छोड़ना ही नहीं यार मतलब क्या ही बोलू मतलब पहले वाली शायरी थी वो भी अमित भाई के लिए ठीक है आप ही थी वो भी अमित भाई के लिए ये दोनों शायरी खेलते हैं क्या गाइस अगर तुम लोगों ने ना क्या बोलते हैं इस वीडियो पर 70 प्लस के लाइक कंप्लीट कर दिए ठीक है तो हम अज्जू भाई वर्सेस अमित भाई की शायरी लेके आएंगे क्योंकि मैंने सुना है अमित भाई भी काफी अच्छी शायरीज बनाते हैं सो इस बार बताओ फर्स्ट वाले में किसकी शायरी अच्छी लगी थी एंड सेकेंड वाले में किसकी शायरी अच्छी लगी कमेंट जरूर से करना ठीक है सो अभी फिर से चलते हैं हम बैच 99 की शायरी पे दोस्तों पहले बोलती थी तू बंदा बड़ा गंदा है पहले बोलती थी तू बंदा बड़ा गंदा है अच्छा नहीं यार तेरा ये धंधा है और अभी देख के यूट्यूब पे वीडियो हमारी बोलती ओ ये बैच 99 तो मेरा वाला बंदा है तो दोस्तों गाइस यार एक चीज बोलू ना ठीक है एक चीज बोलू ना मतलब मेरे को बुरा भी लग रहा है क्योंकि ना बैच 99 अगर ये शायरी बनी तो बंदी थी उसकी थी ना पर थी है थोड़ी है हाँ है थोड़ी है मतलब शायरी तो काफी अच्छी थी आप लोग बताना ठीक है अभी फिर से चलते हैं हम अज्जू भाई पे ठीक है ओके गाइस तो हम आ चुके हैं अज्जू भाई की शायरी पे सो देखते हैं कि अज्जू भाई ने इस बार क्या धमाल मचाया है सो लेट्स सी क्या है इस वीडियो में हमको तो फ्री फायर ने लूटा पबजी में कहां दम था ओके बोलो बे वाह वाह तो बोलो वाह 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 ओके अब फिर से मैं वही लाइन बोलूंगा हमको तो फ्री फायर ने लूटा पबजी में कहां दम था हमने फ्री फायर इसलिए मोबाइल में इंस्टॉल किया क्योंकि हमारे मोबाइल में रैम कम था नहीं ऐसा कुछ नहीं था यार फ्री फायर अच्छा लगा ठीक है जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट रैम ठीक है हमको अच्छा लगा फ्री फायर पबजी वैसे वापस आ रहा है सुनने में आया कि पबजी वापस आ रहा है ये ना बात हमने फ्री फायर इसलिए इंस्टॉल किया अरे यार क्यों यार एक नंबर मनहूस शायरी था यार अमित भाई ने इस बार कहके ले ली भाई हाथ धोती है मतलब आज कौन बोलता है भाई ऐसे थोड़ी रैम कम की वजह से हम फोन में इंस्टॉल करें फ्री फायर ओके गाइस इस बार हम सुनने वाले बैच 99 का सॉन्ग बाय उन्होंने खुद गाया था तो वही ओपी वाला ट्राई करता है लेट्स डू दिस
सुबह हो गई अब फ्री फायर में खेलूंगा, रातों को नहीं चना फ्री फायर में खेलूंगा, स्क्वाड पे जाके नंबर वन में ले लूंगा, अकेला ही जाके पूरी स्क्वाड में पेलूंगा, काला हारी पे नहीं बरबूडा जाऊंगा, स्नाइपर हाथ लेके मैं कहर मचाऊंगा, ऑनलाइन लेक्चर बेड़े फ्री फायर चलाऊंगा, चिकन डिनर नहीं भुया करवाऊंगा। गाइज लिटरली बहुत प्यारा था सॉन्ग, मतलब खुद ने उन्होंने गाया बस 99 ने, एंड सॉन्ग लिटरली इट वाज ओपी ओपी इन द चैट फॉर बस 99। सो गाइज मतलब बंदे में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, चाहे शायरी हो, चाहे गेम प्ले हो, चाहे सॉन्ग्स हो, मतलब। सो गाइज यहाँ पे हम आ चुके हैं मेरी फेवरेट अज्जू भाई की शायरी पे, क्योंकि मैंने इसको लास्ट पे रखा था बिकॉज मेरे को भी दिखाना कि अज्जू भाई भी कुछ बहुत प्यारी वाली शायरीज बनाते हैं। बेसिकली अहमद भाई को बिना ट्रोल किए हुए बहुत अच्छा वाला मैसेज भी देते हैं। सो ये मेरी फेवरेट है अज्जू भाई की। सो आप लोग बताना आप लोगों को कैसी लगी ये शायरी, ठीक है? चलो स्टार्ट करती हूँ मैं। टाइम पे आने वाले चले भी जाते हैं, जिनको कुछ आता नहीं हमको समझाते, जिंदगी फूल और काटे है, खिलाता कोई नहीं, सब अपने नसीब का खाते हैं। खाता कोई किसी का नहीं, सब अपने नसीब का खाते हैं। तो यार मेहनत करो, ठीक है, सब आगे बढ़ेंगे। एंड दिस इज माय वन मतलब फेवरेट 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 अज्जू भाई की, अभी तक ये सबसे ज़्यादा फेवरेट वाली मेरी शायरी थी। एंड मुझे तो दोनों की शायरीज अच्छी लगी, ठीक है, बट मतलब अज्जू भाई अगर जैसी ये शायरी मैंने तुम लोगों को लास्ट में सुनाई, ऐसी और भी शायरीज अगर मिलती अज्जू भाई की तो डेफिनेटली इसे काफ़ी मज़े आते। और ठीक है, बाकी बैच 99 की शायरी सॉन्ग्स ऑलवेज फेवरेट एंड बहुत प्यारा था। सो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब किए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑल पे सेट कर देना। सो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।